वीटॉक साईफाई मूवीज एक मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल जिस पर आज के दिन तक 66,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 250 वीडियोस पब्लिक हैं, प्राइवेट वीडियोस को जोड़े तो ये नंबर 300 तक जाता है। लगभग 2 करोड़ के आसपास टोटल व्यूज हैं। तो मैं मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाता कैसे हूँ, मेरा पूरा प्रोसेस क्या है, मुझे वीडियोस बनाकर पैसे कितने मिलते हैं, मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, वे पेड होते हैं या फ्री, आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। मेरा मूवी या सीरीज देखने से लेकर उसकी स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसका वॉइस ओवर, वॉइस एडिटिंग और फिर सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो एडिटिंग, वो भी ये ध्यान रखते हुए कि मूवी क्लिप्स के इस्तेमाल से कोई कॉपीराइट ना आ जाए। वीडियोस को अपलोड करना, उनके टाइटल और थंबनेल को क्रिएट करना, सभी कुछ आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। और यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं। दरअसल इस साल की शुरुआत में मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि हर महीने की पहली वीडियो में मैं कुछ अलग बनाऊंगा। जैसे कि जनवरी में मैंने पहली बार खुद की ही लिखी हुई एक कहानी अपलोड की और इस बार अपने प्रोसेस को बताने वाला। So, अगर मूवी एक्सप्लेनेशन देखने आए हो तो ये वो नहीं है। और जो लोग वीडियो बनाने के पीछे की मेरे प्रोसेस को लेकर कमेंट करते रहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अब चलिए शुरू करते हैं मेरी प्रोसेस के पहले स्टेप से। मेरे चैनल का नाम ही है साईफाई मूवीज, तो मैं वीडियोस ऐसे ही साईफाई टॉपिक्स पर बनाता हूँ, जहाँ बाकी बची हुई मूवीज, ड्रामा, रोमांस, हॉरर, ये मेरे किसी काम की नहीं। और जो मेरे चैनल को देखते हैं वे ऑलरेडी जानते हैं कि मेरे टॉपिक्स होते हैं टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्सेस, स्पेस मिस्ट्री, एंड ऑफ अर्थ, इस टाइप की मूवीज। तो मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट होती है ऐसी ही मूवीज की, जो लिस्ट मैं IMDB, विकिपीडिया, लेटरबॉक्स और बेस्ट सिमिलर इन जैसी वेबसाइट से ढूंढता हूँ। अब इन सब में से bestsimilar.com ये वेबसाइट सबसे ज्यादा काम की है, क्योंकि इसमें आप एक मूवी का नाम डालकर उसी जैसी और भी मूवीज को ढूंढ सकते हैं। और मैं इन सभी वेबसाइट से मूवी की लिस्ट नोट कर लेता हूँ। अब लिस्ट तो बन गई, मगर इन सबको देखा कैसे जाए। तो फिर मैं विकिपीडिया पर जाकर उनका प्लॉट देखता हूँ और जिस मूवी का प्लॉट या आइडिया मुझे पसंद आता है या वो मेरे चैनल के नीचे मैच करता है तो मैं उस मूवी को डाउनलोड कर देखने बैठ जाता हूँ। अब डाउनलोड कहाँ से करना है ये तो मैं नहीं बता सकता। और क्यों नहीं बता सकता, समझदार लोग अपने आप समझ ही जाएंगे। हालांकि मेरे पास सभी OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, इन सभी के सब्सक्रिप्शन होते ही हैं, तो 99% कंटेंट मुझे वहीं मिल ही जाता है। अब शुरू में मैं सिर्फ मूवी या सीरीज को देखता हूँ बिना इस टेंशन के कि मुझे इस पर स्क्रिप्ट लिखनी है, वरना फिर मजा नहीं आता। और फिर देखने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस पर वीडियो बनानी भी है या नहीं, क्योंकि कई बार पूरी ही मूवी देखने के बाद लगता है कि इसमें वीडियो बनाने जैसा तो कुछ था ही नहीं। तो मुझे कई बार कई सारी मूवीज देखनी पड़ती है। और राइट कंटेंट मिलते ही शुरू होता है हमारा दूसरा स्टेप। अब मैं मूवी को पहले ही देख चुका होता हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मूवी का प्लॉट क्या होगा, मेन कैरेक्टर का आर्क क्या है। तो मैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं 3000 से 4000 के वर्ड्स के बीच ही लिखूं, क्योंकि वीडियो 15 से 20 मिनट के बीच ही बनानी होती है। ज्यादा लंबी और ज्यादा छोटी वीडियोस अक्सर नहीं चलती। अब स्क्रिप्ट लिखने का एक शॉर्टकट भी है जो कि मैं कभी कभार यूज कर लेता हूँ। आप विकिपीडिया पर जाकर मूवी के प्लॉट को देख लें, जिससे आपको एक शॉर्ट समरी तो मिल ही चुकी है। और अब उन बुलेट पॉइंट्स को यूज करके उसके आसपास हम अपनी स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, जो कि ऊपर बताए गए तरीके से थोड़ा ज्यादा इजी होगा। हालांकि मैं खुद बिना बुलेट पॉइंट्स के ही लिखता हूँ। इसके अलावा चूंकि हम एक 2 घंटे की मूवी को 15 मिनट में निपटाने वाले हैं, तो इसमें हमें कुछ साइड सब प्लॉट्स को स्क्रिप्ट से हटाना पड़ता है। पर्सनली मैं खुद कुछ साइड कैरेक्टर्स तक को वीडियो में नहीं डालता, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियोस के बीच में लोग छोड़कर जाने लगते हैं। हालांकि मैं ये जरूर से ध्यान देता हूँ कि मूवी का मेन कैरेक्टर सभी को समझ आए, उसका कैरेक्टर आर्क, उसके आसपास की कहानी सबको क्लियर हो जाए। इसके अलावा मूवी का प्लॉट, मूवी का मेन आइडिया, वीडियो के आखिर तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो आपने नोटिस भी किया होगा कि जिन मूवीज की कोई एंडिंग नहीं होती, मैं खुद से ही उन मूवीज की कहानी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को देखिए, मूवी का नाम है बियॉन्ड द एज, रिलीज्ड इन। अगर आप इस मूवी को देखोगे तो मूवी बिना किसी एंडिंग के ही खत्म हो जाती है, बिना किसी भी एक सवाल का जवाब दिए, जिसके बाद देखने वाले को लगता है कि उसने मूवी देखकर टाइम वेस्ट ही किया। मगर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इसकी एक कॉन्क्रीट एंडिंग दी है, और वो भी ऐवई कुछ नहीं, बल्कि जो हिंट मूवी में दिए गए थे, जो मूवी ने रूल सेट किए थे, उसी के अनुसार मैंने इसकी एंडिंग लिखी है। अब आप बियॉन्ड द एज या फिर इसरा 88 मूवी एक्सप्लेन को यूट्यूब पर सर्च करो और बाकी लोगों की सेम इसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखो।
वहाँ आपको कोई भी साफ एंडिंग नहीं मिलेगी और फिर मेरी वीडियो को देखो। ये मेरा तरीका होता है स्क्रिप्ट लिखने का। अब स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद शुरू होता है हमारा तीसरा स्टेप। अब ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। एक तो मेरी आवाज़ नेचुरली काफ़ी ख़राब है। दरअसल किसी किसी की आवाज़ में एक मधुरता होती है, मगर मेरी आवाज़ कौवे जैसी तेज़ है, मतलब कानों में तेज़ लगती है। सो मैंने इसे ठीक करने की भी कोशिश की। अब मेरी पुरानी वीडियोस और अब की वीडियोस को देखो, उनमें आपको फ़र्क साफ साफ दिखेगा। मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस ओवर मेरा सबसे वीक पॉइंट है, इसीलिए मैंने एक वीडियो में इसे बदलने की भी कोशिश की। मगर उसके नीचे काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि मैं अपनी ही वॉइस को इस चैनल पर रखूं, तो मैंने खुद ही जारी रखा। अब चैनल के शुरू वाले दिनों में मेरे पास बोया M1 माइक था, वही 800 वाला। इसके बाद मैंने एक स्नोबॉल आइस लिया, ये मैंने एक साल बाद लिया था, जो कि मुझे करीब 4000 के आसपास पड़ा। और इसके ठीक 6 महीने बाद जब कुछ वीडियोस चलने लगी और मेरे पास पैसे आने लगे, तो मैंने ब्लू येटी का माइक लिया जो कि 12000 के आसपास था। मगर मुझे ये पसंद नहीं आया, तो मैंने अपने एक दोस्त से इसे सैमसंग C01U Pro के बदले में एक्सचेंज कर लिया। हालांकि ये माइक ब्लू येटी से 2000 सस्ता है, यानी कि सिर्फ 9000 का है, मगर मुझे इसकी क्वालिटी ज्यादा पसंद आई। और अब की मेरी सारी ही वॉइस ओवर्स इसी माइक से रिकॉर्ड होती हैं। अब वॉइस ओवर के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात में ही रिकॉर्ड करूँ, ताकि कोई बैकग्राउंड की आवाज ना आए, क्योंकि पीछे से ट्रैफिक की आवाजें, गली के कुत्तों की भौंकने की आवाजें सारे ही वॉइस ओवर को खराब कर देती हैं। अब रिकॉर्डिंग के बाद मैं रिकॉर्ड की गई वॉइस को ऑडेसिटी से थोड़ा बहुत एडिट करता हूँ और थोड़ी बहुत जो बैकग्राउंड की आवाजें हैं उन्हें हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर करता हूँ, और फिर उसे अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लाकर उसमें से साइलेंट पार्ट और जिन पार्ट्स को मैंने कई बार रिकॉर्ड किया था उन्हें हटा देता हूँ। अब मेरा सॉफ्टवेयर कौन सा है अगले स्टेप में डिटेल में बताऊंगा। अब वॉइस ओवर को एडजस्ट करने के बाद उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, उसके लेवल सेट करना, ये सब आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मैं यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लेता हूँ, जो कि फ्री है। हाँ, कोई ऑडियो लाइब्रेरी में ना हो तो उसके क्रेडिट्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल, हम उसे यूज कर सकते हैं, मगर उसमें कॉपीराइट का रिस्क रहता है। अब वॉइस ओवर हो गया, वॉइस एडिटिंग हो गई, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, सो आता है हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मूवी एक्सप्लेनेशन में ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मूवी क्लिप्स को यूज करने पर कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी आती हैं, और अगर 3 स्ट्राइक आई तो खेल ही खत्म। मगर उससे बचने के लिए पिछले 2 साल में मैंने कई सारी ट्रिक्स निकाल ली हैं, जो कि शायद आपको कोई और नहीं बताने वाला। अब मैं करता क्या हूँ, पूरी ही डाउनलोडेड मूवी को अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल लेता हूँ, और फिर पहले उसकी ओरिजिनल वॉइस को हटा अपने वॉइस ओवर को रहने देता हूँ, जहाँ से अब हमें सिर्फ उन क्लिप्स को निकालना था जो कि अपने वॉइस ओवर पर फिट होने वाली है। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लिप्स हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उससे कॉपीराइट का खतरा रहेगा। सो मेरे एक्सपीरियंस से कोई भी क्लिप 5 से 7 सेकंड्स तक ही होनी चाहिए, 7 सेकंड से लंबी क्लिप कभी नहीं रखनी, जहाँ से हम उसे थोड़ा बदल देंगे कुछ फिल्टर्स का यूज करके। अब इसमें फ्लिप फिल्टर काफी यूजफुल रहता है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिरर हो जाता है, तो वहीं कुछ जगह पर ओल्ड या अलग अलग फिल्टर भी काम देते हैं। वहीं क्लिप्स को रिवर्स करके भी सेम यही रिजल्ट पाया जा सकता है, मगर रिवर्स फिल्टर तब काम करता है जब 2 कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हो। इसके अलावा एडिटिंग करते हुए बीच बीच में JPG इमेजेस भी डालने होते हैं, ताकि कोई क्लिप रेगुलर न चले। अब चलती क्लिप्स के बीच फोटोज काफी वियर्ड लगेंगे, तो कुछ ट्रांजिशंस के इस्तेमाल से इसे स्मूथ बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी मेरी पूरी ही वीडियोस में कई सारी ट्रांजिशंस रहती ही हैं, जो कि अक्सर वीडियोस में सीन शिफ्ट होने का संकेत देती हैं। अब यहाँ से इतनी एडिटिंग और ट्रिक्स के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि कॉपीराइट आएगा या नहीं, क्योंकि देने वाला तो इमेजेस पर भी कॉपीराइट दे ही सकता है, मगर इससे चांस बहुत हद तक घट जाते हैं। और इसीलिए ही मैं ज्यादातर वीडियोस में मूवी नेम शुरू के कुछ दिनों तक मेंशन नहीं करता, क्योंकि उसे कोई भी नेम सर्च कर कॉपीराइट दे सकता है। सो जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मूवी नेम क्यों नहीं देते, तो उसका रीजन यही है। हाँ, जब कुछ दिन बीत जाए और लगे कि इस पर कॉपीराइट नहीं आने वाला, तो फिर मैं नाम डाल देता हूँ। इसके अलावा मैं मोवावी का एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जिसमें वीडियो एडिटिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कन्वर्टिंग, AI इनहेंसिंग सब कुछ शामिल है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर पेड है, वहीं इसके पहले मैंने 2 साल तक फिल्मोरा का एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया था, और वो भी काफी अच्छा था। अब ये दोनों ही सॉफ्टवेयर पेड है, मगर काफी यूजफुल है। हाँ, अगर फ्री में इस्तेमाल करना है तो कैमटाशिया, डीस्क्रिप्ट, इन जैसे कुछ सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, मगर वे इतने इफेक्टिव नहीं होते और मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किए। अब वीडियो एडिटिंग के बाद आता है हमारा अगला स्टेप।
अब थंबनेल बनाना मेरा फेवरेट काम है, जो कि मैं वीडियो अपलोड करते टाइम करता हूँ। इमेजेस के लिए मैं मिड जर्नी AI का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि प्रॉम्प्ट डालकर काफी अच्छी इमेजेस जनरेट करता है। हालांकि ये भी पेड है, मगर इसे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। कुछ फ्री AI भी है, जैसे यूनिवर्सल AI, जेनक्राफ्ट, तो आप वे भी ट्राई कर सकते हैं। जिसके बाद सिलेक्ट की गई इमेजेस को मैं कैनवा में डाल, वहाँ से फाइनल थंबनेल तैयार किया जाता है। अब कैनवा मेरे ख्याल से सबसे अच्छी थंबनेल मेकर वेबसाइट है, जिसका प्रीमियम भी मैंने एक बार खरीदा था, मगर मेरे थंबनेल थोड़े सिंपल ही होते हैं, तो बिना प्रीमियम के भी इससे अच्छे से थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, और मैं ऐसा ही करता हूँ। वैसे भी मैं काफी सारी सर्विसेज पेड ही इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं लगी। अब वीडियो तैयार है, थंबनेल तैयार है, सो आता है हमारा अगला स्टेप। अब यहाँ वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले तो चेक करना होता है कि कोई कॉपीराइट आया या नहीं। कई बार यहाँ पता चलता है कि वीडियो के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है, यानी कि कहीं कोई क्लिप ज्यादा लंबी हो गई, तो फिर से उस क्लिप को एडिट कर, फिर से पूरी ही वीडियो को एक्सपोर्ट कर, फिर से अपलोड करना होता है और चेक करना पड़ता है कि कॉपीराइट आएगा या नहीं। इसके अलावा टाइटल थोड़ा कैची रखना होता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सके। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स पर ध्यान देना होता है, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा सर्च रिजल्ट्स और रिकमेंडेशन में आ सके। अगर आपका चैनल नया है तो सिंपली किसी भी बड़े चैनल के डिस्क्रिप्शन को खोलो और उसमें से आप कीवर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं। बस उसे एग्जैक्ट सेम नहीं रखना है, बल्कि उसमें कुछ चेंजेस खुद से ही करने हैं। वहीं ट्रेंडिंग टाइटल्स और टैग्स के लिए एक वेबसाइट भी है, रैपिड टैग्स। आप यहां टाइटल या वीडियो के बारे में लिखें और ये वेबसाइट आपको YouTube के ट्रेंडिंग टाइटल्स निकाल कर दे देगी। ये बिल्कुल फ्री है। अब चूंकि स्क्रिप्ट से लेकर एडिटिंग तक सभी कुछ मैं अकेला ही करता हूँ, तो मुझे एक 15 मिनट की वीडियो बनाने में, मूवी देखने से लेकर वीडियो को कंप्लीट करने में लगभग 3 दिन तक लग जाते हैं। और अगर मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जिसके कई सारे पार्ट्स हैं, तो उसमें एक हफ्ता लगता है। मगर टाइम बचाने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं कभी भी एक ही वीडियो पर एक साथ काम नहीं करता, बल्कि मैं 2 से 3 वीडियोस पर लगातार काम करता रहता हूँ। यानी कि कभी किसी मूवी की स्क्रिप्ट लिख ली, किसी दूसरी वीडियो को एडिट कर पूरा कर दिया, तो इससे यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं और वीडियोस के बीच 3 दिन से ज्यादा का गैप नहीं रहता। अब चलिए चलते हैं उस टॉपिक पर जिसका आप सभी को इंतजार था। हाँ, पता है, सीधा यहीं पर स्किप किया होगा। तो रेवेन्यू जनरेट होता है व्यूज के आधार पर, और वो भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकता है। तो अगर मैं अपना बताऊं, तो मेरा हर 1000 व्यूज पर 40 से 45 रुपए के बीच ही रहता है, और इस बार जनवरी 2024 में तो ये काफी ज्यादा कम आया है, यानी कि हर 1000 व्यूज पर मुझे सिर्फ 41 रुपए ही मिले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे हर महीने लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आसपास व्यूज आते हैं पूरे ही चैनल से। तो अब अंदाजा लगा लो, हर 1000 व्यूज पर 41 रुपए, इससे मेरे पास पर मंथ कितने आए। अब ये नंबर कितना ज्यादा अनस्टेबल है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जो मेरा दूसरा चैनल है उसका RPM सिर्फ 16 रुपए पर 1000 व्यूज है, क्योंकि उस चैनल की वीडियोस में मैं कोई ब्लर यूज नहीं करता और काफी सारे हार्श सीन्स होते ही हैं, तो उस पर ज्यादा ऐड भी नहीं लगते। यानी कि अगर वीडियोस को नर्फ डाउन करेंगे तो RPM ऊपर जाएगा, मगर फिर व्यूज भी कम आएंगे, तो मर्जी आपकी। अब इस चैनल पर मैंने बीच का रास्ता अपनाया हुआ है, जहां थोड़े हार्श सीन्स पर मैं हल्का ब्लर लगा देता हूं। ओके, सो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होने वाली है एक मूवी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।